दोस्तों, आज मैं आपको जसिका लाल मर्डर केस के बारे में बताऊंगा। ये हादसा हुआ था 1999 29 अप्रैल के महीने में। गर्मी का मौसम था, समर, हॉट समर। दिल्ली के मेहरौली एरिया में कुतुब कॉलोनी एक जगह है, वहाँ पे एक पुरानी हवेली को रेस्टोरेंट में तब्दील किया गया था, जिसका नाम था टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट। अब ये एक इस यहाँ से कुतुब मीनार उस क्लियर दिखता था, मतलब व्यू बहुत बढ़िया था, और ओपन कोर्ट शाम के टाइम में बहुत लोग साउथ, खास करके साउथ दिल्ली के लोग वहाँ पे खाना खाने आते थे, टाइम काटने आते थे। इट वॉज काफ़ी पॉपुलर था, अप मार्केट रेस्टोरेंट, हाई सोसाइटी लोग आया करते थे, पार्टियाँ होती थी। ये रेस्टोरेंट चलाने वाले थे बीना रमानी, सोशलाइट, दिल्ली के हाई सोसाइटी में उठना बैठना जिनका था, और ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, एंड जो उनके हस्बैंड जॉल मेलहाउट कैनेडियन सिटीजन, और मालिनी रमानी मॉडल और बॉलीवुड से रिश्ता, ये भी अमेरिकन सिटीजन। अच्छा, अब इस रेस्टोरेंट में इसकी खासियत थी कि ये इसमें, हालांकि इसमें कोई लिकर इनके पास लाइसेंस नहीं था, लेकिन लिकर सर्व किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, हाई ऑफिशियल्स, पुलिस के भी हाई ऑफिशियल्स सब आया करते थे, तो कोई पूछने वाला नहीं था। और ये लोग, यहाँ पे एक बार था, बार का नाम था वंस अपॉन ए टाइम, और थर्सडे नाइट को एक स्पेशल थर्सडे स्पेशल नाइट खास इंतज़ाम हुआ करता था, पार्टी वार्टी के लिए ज़्यादा जाना जाता था, इस मशहूर था। तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर और भी सब इस तरह के पार्टी वार्टी हुआ करती थी, लेकिन कोई भी जा सकता था। बाहर वालों के लिए कूपन सिस्टम, अगर कूपन लो और पार्टी चल रही है उसमें आप खाना खाइए, ड्रिंक लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस 29 अप्रैल की रात को वहाँ पर बार टेंडर थी जसिका लाल, मॉडल एंड एक्टर, छोटे मोटे उसमें एड फिल्म या फिल्मों में एक्टिंग करने वाली एक्टर, एंड सायन मुंशी, यो भी मॉडल एंड एक्टिंग की दुनिया से ताल्लुक रखने वाला या उम्मीद रखने वाला जो भी है। तो ये दो थे बारटेंडर। इस रेस्टोरेंट से 15 से 18 किलोमीटर दूर फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या फ्रेंड्स कॉलोनी, वहाँ पे मनु शर्मा, जिसका नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ, एलियस सिद्धार्थ वशिष्ठ, वो सन ऑफ विनोद शर्मा मिनिस्टर कांग्रेस के और जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो उसके फादर पॉलिटिकल, उनका पॉलिटिकल भी पहुंच थी, और एज वेल एज उसके पास काफ़ी रईस थे, पैसे वाले थे, चेन ऑफ होटल्स और फलाना बॉक्सिंग बिजनेस के मालिक। ये और उसके साथ वहाँ पे अमरिंदर सिंह कोहली टोनी, जिनका नाम कहलाता था, वो जनरल मैनेजर कोका कोला बॉटलिंग प्लांट के, और आलोक खन्ना उसके फ्रेंड, सब फ्रेंड, और विकास यादव, सन ऑफ डीपी यादव,
नीतीश कटारा मर्डर केस का मुजरिम बाद में वो 1919 में तब तक ये केस हुआ नहीं था, ये बाद में मैं बात करूँगा इसके नीतीश कटारा मर्डर केस के बारे में। तो ये चार फ्रेंड्स 7 बजे से दारू पी रहे थे, इनको जाना था, मनुष शर्मा को जाना था चंडीगढ़, लेकिन गए नहीं, वो पीने लग गए दोस्तों के साथ और 11, 11:15 बजे तक पीते रहे। फिर एकाएक मनु शर्मा को याद आया कि वो पहले जा चुका था टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में, वहाँ पे वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, ओपन कोर्ट, कुतुब मीनार का नज़ारा और लीकर खाना बहुत बढ़िया। तो वो कहते हैं कि चलो वहाँ जाके ड्रिंक करते हैं। ये लोग दो गाड़ी में सवार होकर आते हैं टैमरिंड कोर्ट में, वहाँ से बाकायदा कूपन लेते हैं और फिर थर्सडे स्पेशल नाइट वंस अपॉन ए टाइम बार में जाते हैं। बार में जेसिका लाल बारटेंडर उसे कहते हैं, उसे मनु शर्मा कूपन दिखाता है। फिर वो कहती है, तब तक 12 बज चुका था, वो कहती है 12 इज टू लेट और ड्रिंक भी ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं कर सकती। तो फिर उसने कहा 1990 की बात कर रही है, 1000 रुपये का नोट निकाला और मेज पर रखी, कहती ये रखिए हम लोगों को ड्रिंक चाहिए। वो कहती, फिर वो भी अपने ढंग से, वो भी मॉडल थी, हाँ कोई एरी एरी बारटेंडर नहीं, वो कहती मुझे पैसा मत दिखाइए, हाँ नो इस बार्ट टाइम हो गया तो हो गया, आपको ड्रिंक नहीं मिलेगी। तो तब वो 0.22 कैलिबर का रिवॉल्वर निकलता है, उसके मुंह के सामने घुमाता है, कहते ड्रिंक मिलेगी या नहीं, और फिर ऊपर रूफ की तरफ रूफ में फायर करता है। फिर वो सोच जशीना ने सोचा ये लोग पहले से पी रखे थे, तो ये पी रखी है, थोड़ा ताव में है तो ठंडा हो जाएंगे। तो फिर वो कुछ उसको उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, देखा ही नहीं। फिर उसने फिर रिवॉल्वर लिया, अब छत के ऊपर नहीं, उसके गन पट्टी पे ताक किया और सीधा फायर कर दिया। फायर करते ही वो खून पे लथपथ, शायद तभी उसकी मौत हो गई थी। खैर म्यूज़िक हाई म्यूज़िक की वजह से सबको साउंड गोली के बाद सुनाई नहीं थी, लेकिन वो शायद मुंशी शोर मचाना हंगामा शुरू कर दिया, तब सब लोग आने लग गए काउंटर की तरफ, सब आने लग गए। तो ये लोग देखा गए मामला गड़बड़ है, तो इसके तो गोली तो चल गई है, चलो भागते हैं। ये सब भाग निकले वहाँ से, दो गाड़ी में एक अलग अलग से भाग निकले। मनु शर्मा यहाँ से अकेला पैदल निकल पड़ा वहाँ से, जाके वहाँ पे एक वीरान सी जगह में पिस्तौल को डाल दिया, छुपा दिया। फिर थोड़ी देर में फिर फ़ोन किया, अपने फ्रेंड को बुलाया जो USA से आया था, उसे रिवॉल्वर पकड़ाया और बोले इसको जाके इसको ठिकाने इसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो फिर बाकी फ्रेंड्स को बुलाया, फिर वहाँ से विकास यादव आया, उसको अपनी गाड़ी में मनु शर्मा को लेके गाज़ियाबाद में उनके कोठी में ले गए। तो रात वहीं पर बिताई दोनों ने। फिर पुलिस में फिर वहाँ से बीना रमानी फिर आई और फिर उसको लेके जसलोक हॉस्पिटल ले गए।
यश लोग, हाँ, तो वहाँ पे जाके वो हॉस्पिटल वाले ने कहा नहीं ये तो केस बहुत ही सीरियस है, हमारे बस की बात नहीं है, आप ले जाए अपेलो। तो अपेलो ले गए, अपेलो जाते जाते उसकी मौत हो गई थी। अपेलो वाले ने कहा ब्रॉड डेड, तो ब्रॉड डेड हो गया। तो अब पुलिस आई, अपना केस वेस चालू किया, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट और फॉरेंसिक वगैरह सब अपना कार्रवाई चालू की दिया और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज दिया। अब ये चारों तो फरार हो गए। तो मनु शर्मा, अच्छा फिर 4 तारीख को 29 की बात है, 29 को मर्डर हुआ। 4 मई को अमरिंदर सिंह कोहली को पुलिस ने पकड़ अरेस्ट किया और उसके साथ बीना रमानी, उसके हस्बैंड जॉर्ज मलोट और मालिनी रमानी सबको अरेस्ट किया कि बिना लाइसेंस के आप लीकर कैसे सर्व कर रहे थे, शराब की वजह से ये सब ये मर्डर हो गया है, ये हुआ है विदाउट लाइसेंस। खैर ये सब हाई प्रोफाइल लोग थे, फटाफट फोन किया और इनका बिले हो गया। फिर 19 मई को विकास, काफ़ी हंगामा हो रहा था मीडिया में और इधर उधर टीवी का उस टाइम टीवी का उतना जोर नहीं था, खैर मीडिया वीडिया सब सब हंगामा शोर हो रहा था। तो वो विकास यादव वहाँ से भाग चला गया मिजोरम, वहाँ से जाके एंटीसिपेटरी बेल लेके आ गया, आके सरेंडर किया ITO पुलिस हेडक्वार्टर में और फिर पुलिस वालों ने फिर एंटीसिपेटरी बेल दिखाया, वो छूट गया। फिर 30 मई को फिर विकास यादव को पुलिस ने फिर अरेस्ट किया, उसके साथ मनु शर्मा, वो काफ़ी हवा काफ़ी गर्म थी तो काफ़ी प्रेशर था उसके फादर के ऊपर, विनोद शर्मा के ऊपर, तो उसने मनु शर्मा ने भी सरेंडर किया। उसके साथ आलोक खन्ना, उसका फ्रेंड और टॉनी और यगराज सिंह, फादर ऑफ युवराज सिंह क्रिकेटर, 9 लोग अरेस्ट हुए। तो सब मिला के, कुल मिला के तो 9 अगस्त, 3 महीने बाद 9 अगस्त चार्जशीट हुआ और ट्रायल कोर्ट में केस चालू हो गया। तो केस में इतना ये लोग हाई प्रोफाइल, इतने इस फादर मनु शर्मा के फादर इतने पैसे वाले रईस ज़्यादा और पॉलिटिकल यानी सियासी ताकत और पैसों की ताकत, इसकी बदौलत ये केस को ढीला कर दिया। केस बहुत स्लो केस होता चलता रहा, तो जितने भी गवाहों को खरीदना और ये सब पुलिस वालों को खरीदना और ये फॉरेंसिक वालों को भी खरीदना ये सब चालू कर दिया। करते करते 6 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 21 फरवरी 2006 को, ऑल वायर रिलीज्ड, सब बेकसूर खलास, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो इससे जो है ना, फिर इसके बाद एक फिल्म ही बनी थी नोबडी किल्ड जेसिका, जबकि सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन थी शर्मिला टैगोर और सब डायरेक्टर वगैरह सब इनवाइटेड थे, जर्नलिस्ट वगैरह। फिर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, पीपल लोगों ने जुलूस, धरना प्रदर्शन चालू किया, कैंडल लाइट पर जुलूस और ये सब चालू हो गया। फिर सबीना लाल या जसिका लाल की बहन, वो बहुत स्ट्रांग लेडी थी, उसने भी खुद सारा ये सब केस वेस और ये सब प्रदर्शन धरना प्रदर्शन खूब जोर से चालू किया। तो उसके बाद कि ये कैसे हो सकता है, ये गलत है, तो पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हो गया है, तो लोग पब्लिक प्रेशर थी, तो हर दिन धरना प्रदर्शन ये सब हो रहा था। फिर
इसके इस फैसले में लोअर कोर्ट ने अपने फैसले जब सुनाया था उसमें एक बात कही थी कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया नहीं है और जो है ना ये कल्प्रिट को बचाने के जो काम किए थोड़ा बहुत जो भी काम किया है कल्प्रिट को बचाने का काम किया है, खास करके SHO जो मैरोली पुलिस के ऊपर इन्होंने खरी खोटी सुनाई तो पुलिस की बहुत ज़बरदस्त फजीहत हुई। तो फिर कमिश्नर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम फिर जांच कराएंगे और कोई भी मुजरिम बच नहीं पाएगा। फिर ये मार्च 2006 की बात है, फिर दिल्ली पुलिस ने इसको इस फैसले को चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा कि कंटिन्यूस हियरिंग होगी, 25 दिन तक कंटिन्यूस हियरिंग हुई, करीब 100 विटनेस को से पूछताछ की गई और फिर 8 महीने बाद 30 दिसंबर 2006 को तो फैसला सुनाया। मनु शर्मा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा और बाकी 3 को 4 साल की बामशक्कत कैद यानी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। इसके बाद ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसले को बरकरार रखा और मनु शर्मा ये लाइफ इम्प्रिजन में है, लाइफ जेल में है। अब इसमें एक बात है, ये विनोद शर्मा ने कैसे कैसे हथकंडा अपनाए थे। तो पहले तो अपने पैसे से जितने भी थे जो भी जैसे सायन मुंशी उसने बयान रिकॉर्ड कराया था कि हाँ मैंने देखा है मेरे सामने गोली चली थी, ये है वो दो गोली चली थी। फिर वहाँ जाके कोर्ट में जाके वो मुकर गया था, वो हॉस्टाइल हो गया था, तो इस तरह से कहा नहीं मुझे तो हिंदी आती नहीं है, पुलिस वाला ने जो भी लिख के दिया था मैंने साइन दस्तखत कर दिया था। अच्छा फिर एक गोली ऊपर चली थी, दूसरी गोली पता नहीं किसने चलाई, कोई हाफ शर्ट वाला हाफ स्लीव शर्ट वाला ने कोई हाफ शर्ट कोई और उसका कोई पता मिला नहीं। तो इस तरह से और फिर फिर ये रमानी यानी बीना रमानी उसने भी बयान दिया था कि हाँ मैंने देखा है मनु शर्मा को जजिका से मांगते रिंग मांग रही थी और उनमें बहस हो रही थी और झगड़ा हो रहा था मैंने देखा है और उसको गोली चलाते भी देखा है, ये सब उसने बयान दिया था। फिर बाद में फिर फॉरेंसिक और दूसरी सेकेंड पॉइंट इस फॉरेंसिक वाले ने अब इसमें यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट, फॉरेंसिक वाले ने जो शेल बुलेट के शेल दो बुलेट के शेल दिखाए, तो एक के बुलेट के एक दो शेल दो पिस्तौल से, ये अजीब बात है हा? दो गोली चली एक पिस्तौल से, अब ये लोग कह रहे हैं कि दो पिस्तौल वालों को भी खरीद लिया था तो वहाँ पे जो खोखा दो खोखा अलग बदल गया वहाँ पे जाके फॉरेंसिक वालों के पास। फिर स्टिंग ऑपरेशन में अब ये सैन मुंशी का झूठ निकला, सैन मुंशी से एक स्टिंग ऑपरेशन तहलका वालों ने स्टिंग ऑपरेशन किया तो पूछा कि भाई आपको एक्टिंग करना चाहता हम फिल्म बना रहे हैं, वो कहता हाँ ज़रूर मैं कर लूँगा, उसने कहा नहीं लेकिन ये तो हिंदी में है लेकिन आपको तो हिंदी आती नहीं है, तो उसने कहा नहीं नहीं हिंदी मुझे बहुत अच्छी आती है, अब कोई भी डायलॉग दीजिए मैं बोलूँगा, फराटे का हिंदी बोलता हूँ फराटे की हिंदी बोलता हूँ। फिर उसने बोला फिर वो सब रिकॉर्ड में आ गया या फिर मतलब वो झूठ बोला था। फिर तहलका ने एक और काम किया था, ये जितने भी आई विटनेस को खरीदने वाला काम था वो सबका स्टिंग ऑपरेशन कराया और कैसे पैसा किसके किसके ज़रिए पैसा भेजा गया सब सारा रिकॉर्ड में आ गया। फिर एक और बात तहलका ने किया कि एक तहलका ने नहीं ये मनु शर्मा ने एक रिकॉर्ड बयान रिकॉर्ड कराया था कि मैंने उसे ड्रिंक मांगी थी
और फिर उसने मुझे दिया नहीं, मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती, फिर मैंने 1,000 रुपये का नोट दिया उसके ऊपर कूपन लेने के बावजूद, फिर उसने दी नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बड़ी बहुत बेइज्जती हुई, तो मैंने उसे गोली मार दिया। ये ऑडियो टेप ये पूरा सर्कुलेट हो रहा था, तो मतलब उसका झूठ सारा निकल आया। अच्छा, फिर फॉरेंसिक वालों का तो कुछ करने से, अच्छा फिर हाईकोर्ट ने कहा पूरी दुनिया जानती है कि मनु शर्मा उस दिन गोली चलाई थी दो, और फॉरेंसिक वालों का बुलेट चेंज कैसे, बुलेट खोखा चेंज कैसे हो गया, या खैर जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है इंसाफ के फेवर में, इंसाफ दिलाया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी, और इस तरह से ये थी कहानी पूरी। 2017 से मनु शर्मा को फॉर गुड कंडक्ट ओपन जेल की सुविधा मिल रही है, यानी सबेरे 8 बजे निकलना और 6 बजे वापस आ जाना, इस दरमियान कहीं भी कुछ काम कर सकता है। इसके बाद 2018 में सबीना लाल ने उसे कह दिया है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर उसका छुटकारा मिलता है, और 2018 में, फिर 2020 में उसकी रिहाई हो जाती है, 2020 जून के महीने में नाउ ही इज़ अ फ्री मैन, यानी 4 साल पहले उसको छुटकारा मिल गया फॉर गुड कंडक्ट। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।